हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच यह है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। यह नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती हैं। और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है, वो पूरे देश को दिख रहा है। अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने
40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है, और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें। यह हमारा लक्ष्य। धन्यवाद। रोजगार की बात पर, रोजगार कहां से पैदा होता है, कैसे बनता है? दो एरियाज होते हैं। एक होता है सरकारी नौकरियां, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। सरकारी नौकरियों के बारे में आप किसी भी कांग्रेस के स्टेट को देख लीजिए और जनरली आपको दिखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कमिट करते हैं और दिलवाते हैं। और दूसरी बात, जो प्राइवेट की बात हुई, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस से आता है, रोजगार बड़े बड़े बिजनेसेस से कम आता है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी, और आप ये किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी ज्वेलर से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लीजिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी छोटे व्यापारी को खत्म करने की है। डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, कोरोना के समय उनके सब एक्शंस, मजदूरों के साथ उन्होंने जो कोरोना में किया, इन सब एक्शंस का लक्ष्य स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और हिंदुस्तान को 5-10 मोनोपोलिस्ट के हवाले कर देने का है। कांग्रेस पार्टी यह नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बैलेंस करके आगे बढ़ती है। हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं और उनसे रोजगार पैदा करते हैं, और जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनकी भी हम मदद करते हैं। अब मैं यूपी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो इनके मैनिफेस्टो में है। यहां पे अलग अलग क्लस्टर्स हैं, आगरा, मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में ब्रास वर्क्स, कांच का, फिरोजाबाद में, लखनऊ में आम, ये क्लस्टर्स हैं। ये उत्तर प्रदेश का धन है। आम को प्रोसेस करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो। ब्रासवेयर को डेवलप करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो। ये सब क्लस्टर्स को आप देख लीजिए, ये यूपी की शक्ति है। हम इन क्लस्टर्स को अनलॉक करना चाहते हैं। हम इन क्लस्टर्स में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, उनकी मदद करना चाहते हैं और इन क्लस्टर्स के थ्रू हम यूपी को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी ये काम कर नहीं सकती और करना नहीं चाहती। बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाना चाहती है, यह फर्क है। तो आपने कहा कि हमारे स्टेट्स से हमने कौन से उदाहरण लिए हैं। प्रियंका जी ने आपको समझाया कि हमने अलग अलग उदाहरण अलग अलग स्टेट से लिए, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी सेंट्रल स्ट्रेटजी, आपकी नीयत ही गलत है तो आप रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप आज देखें कि 14 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं ने रोजगार खोया है, इसका कारण डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सरकार ने एक्शंस लिए वो है। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम कभी नहीं कर सकती। आप रिकॉर्ड देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, जो
यूपी के समय इकोनॉमी की हालत थी, जो रोजगार की सिचुएशन थी, उसको आप कंपेयर कीजिए एनडीए बीजेपी की सरकार से, आप कंपेयर कीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया था, उसको आप स्टडी कीजिए। जब हम दिल्ली में थे तब जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। तो हम यूपी को एक रास्ता दिखा रहे हैं, यूपी से हम एक प्रकार से बातचीत, यूपी के युवाओं के साथ हम बातचीत करके मिलकर एक विजन बना रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट भी है और ये इससे हमें रेलेवेंस भी मिलेगी और मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और जन नॉर्मली कांग्रेस पार्टी में हम ऊपर से अपने स्टेट्स को ऑर्डर नहीं देते हैं। अगर कोई आइडिया स्टेट से निकल के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर जनरली हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया है तो सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ये हमारा तरीका नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।